हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टर्म लायविल सिस्टम, स्टर्म लायविल बाउंड्री प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उनके आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी हम डिस्कस करेंगे और उनके प्रूफ्स भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैविंग द फॉर्म डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस लैम्डा आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो, x belongs to close interval a comma b with homogeneous boundary conditions a y a1 y a plus a2 y bar a is equals to 0 b1 y b plus b2 y dash b equals to 0। ऐसी एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम स्टर्म लायविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या फिर स्टर्म लायविल सिस्टम भी कहते हैं, जहाँ पर a1 a2 b1 b2 कॉन्स्टेंट्स हैं, px qx rx फंक्शंस ऑफ एक्स हैं और लैम्डा पैरामीटर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक बाउंड्री वैल्यू सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है उसका जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, जहाँ पर आर एच एस पे हमारे पास एस एक्स था जो कि फंक्शन ऑफ एक्स था। जब हम होमोजीनियस की बात करते हैं तब हम एस एक्स को आइडेंटिकली ज़ीरो लेते हैं। तो जब एस एक्स ज़ीरो हो और हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस है वो भी होमोजीनियस हो, तो इस तरीके की जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उसे स्टर्म लायविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या स्टर्म लायविल सिस्टम कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वाई एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम वाई को ज़ीरो लेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा और ये पूरी टर्म एल एच एस पे ज़ीरो हो जाएगी। तो जो वाई इक्वल्स टू ज़ीरो है वो तो इसका सॉल्यूशन हमेशा होगा, यानी कि वाई एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन राइज फॉर पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा, जहाँ पे जो वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा होती है उन्हें हम आइगन वैल्यूज़ कहते हैं और जो उनसे कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन मिलते हैं उन्हें आइगन फंक्शंस कहते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं तो इस जो इक्वेशन है इसका हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को जनरल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं। अ सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, हम जानते हैं सेकेंड ऑर्डर की, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स का है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी हाईएस्ट ऑर्डर टू है, तो ये सेकेंड ऑर्डर हुई। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है इसलिए ऑर्डिनरी और लीनियर है इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो इस टाइप की सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम स्टर्म लायविल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे पी एक्स को हमने हम देख सकते हैं हमने पहले पी नॉट से डिवाइड किया पूरे एल एच एस को, उसके बाद एक पी एक्स टर्म से मल्टीप्लाई किया जहाँ पे पी एक्स है एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल पी वन एक्स अपॉन पी नॉट एक्स डी एक्स। इससे हमारे पास क्यू एक्स और आर एक्स की टर्म्स भी मिल गई और जो हमारे पास ये इक्वेशन थी जनरल ये हमारे पास स्टर्म लायविल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसके प्रूफ की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, बट अगर आप प्रूफ करना चाहें तो पी नॉट से डिवाइड करें और पी एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको इजीली इसका प्रूफ मिल जाएगा। अब हमने कहा स्टर्म लायविल लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर एल इज डिफाइंड एज एल वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स वाई डैश होल डैश प्लस क्यू एक्स वाई। यहाँ पे हमने इस पूरी इक्वेशन को एक लीनियर ऑपरेटर के फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने आप देख सकते हैं एल एच एस पे यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म्स को एक लीनियर ऑपरेटर के हेल्प से रिप्रेजेंट किया कि एल वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स वाई प्राइम होल प्राइम प्लस क्यू एक्स वाई। तो
जब हमने ये सब्सटीट्यूशन किया तो स्टर्म लॉवेल इक्वेशन बिकम्स एल वाई इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा आर एक्स वाई, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पूरे को एल वाई अज्यूम किया तो लैम्डा आर एक्स वाई आर एच एस पर चला गया, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो गई। अब हमने माना लेट वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स बी टू आइगन फंक्शंस कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा वन लैम्डा टू। हमने माना दो अलग लैम्डा वन इज़ नॉट इक्वल्स टू लैम्डा टू, यानी कि दो यूनिक आइगन वैल्यूज हमने कंसिडर की और उनसे कॉरस्पॉन्डिंग उनसे जो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिले इक्वेशन की उन्हें हमने आइगन फंक्शंस कंसिडर किया वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स। तो जब हम इन्हें यहाँ पर इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो हमें ये दो इक्वेशंस मिलेंगी, एल ऑफ वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा वन आर एक्स वाई वन एंड एल वाई टू इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टू आर एक्स वाई टू। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन को वाई टू से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड इक्वेशन को वाई वन से, इससे हमें दोनों ही टर्म्स में वाई वन वाई टू मिले और आर एक्स तो दोनों में कॉमन था ही, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करने से हमें कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन की हेल्प से हम काफ़ी प्रूफ्स और काफ़ी थ्योरम्स में यूज लेते हैं इस इक्वेशन का। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं लग्रांजस आइडेंटिटी। यूजिंग वन फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से, जो कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये रही, तो फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हमने y2 और y1 के लिए लिखा y2 l of y1 is equals to y2 px y1 prime whole prime plus qx y1 y2. Similarly, l y2 के लिए लिखा y1 into l of y2 is equals to y1 px y2 prime whole prime plus qx y1 y2. आप देख सकते हैं हमारे पास qx y1 y2 और qx y1 y2 दोनों में कॉमन टर्म आ रही है, यानी कि हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि हमने यहाँ पर किया फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को, जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म बची q2 p y1 प्राइम होल प्राइम माइनस y1 p y2 प्राइम होल प्राइम। अब हम जानते हैं ये जो प्राइम है डैश है ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने u into v रूल से इसका डिफरेंशिएशन किया तो p प्राइम y1 प्राइम प्लस p y1 एक प्राइम पहले से था एक और बार डिफरेंशिएशन हुआ तो y1 डबल प्राइम। सिमिलरली ये ब्रैकेट ओपन हुआ p प्राइम y2 प्राइम प्लस p y2 डबल प्राइम। अब हमने इन ब्रैकेट को एक्सपेंड करके p प्राइम और p की टर्म्स को सेपरेट कर लिया तो p प्राइम कॉमन लिया तो हमारे पास बचा y2 y1 प्राइम माइनस y1 y2 प्राइम प्लस p y2 y1 डबल प्राइम माइनस p y1 y2 डबल प्राइम। साथ ही में हमने प्लस माइनस किया p y2 प्राइम y1 प्राइम की टर्म को एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस टर्म, जिससे कि हमारा जो इक्वेशन है और सॉल्व हो जाए और सिंप्लीफाई हो जाए। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से p तो कॉमन आएगा ही पर साथ में कुछ और भी देख सकते हैं हम, ये जो टर्म है ये जो दो टर्म्स हैं ये मिलाकर हमारे पास ये इक्वेशन में रिड्यूस हुई। कैसे हुई ज़रा इसे समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर है y2 y1 प्राइम माइनस y1 y2 प्राइम होल प्राइम, तो जो कि ये डिफरेंशिएशन है तो हम सेपरेटली इसका डिफरेंशिएशन और सेपरेटली इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो y2 y1 प्राइम का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें मिला y2 प्राइम y1 प्राइम जो कि यहाँ पर टर्म थी y2 प्राइम y1 प्राइम और फिर y2 एज इट इज y1 डबल प्राइम तो y2 y1 डबल प्राइम। तो जब हमने ये टर्म्स एडिंग और सब्ट्रैक्ट की तो हमने इन दो टर्म्स को साथ लिख लिया और इन दो टर्म्स को साथ लिख लिया, तो इससे कि हमारे पास ये पूरा एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में बना y2 y1 डबल प्राइम प्लस y2 प्राइम y1 प्राइम बना y2 y1 प्राइम का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर आप इसको एक्सपेंड करके देखें तो y1 y2 प्राइम का
जो डिफरेंशिएशन खुलेगा वाई वन, फिर वाई टू डबल प्राइम, फिर वाई वन प्राइम वाई टू प्राइम, वाई वन प्राइम वाई टू प्राइम, फिर यहाँ से पी कॉमन ले लिया तो हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म बचेगी। और यहाँ पे ये प्राइम बता रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो टर्म बन रही है, पहले पी प्राइम और ये वाली टर्म, उसके बाद पी एज इट इज़, और फिर इसी टर्म का डिफरेंशिएशन। तो यानी कि हमारे पास ये बना पी एक्स इंटू वाई टू वाई वन प्राइम माइनस वाई वन वाई टू प्राइम का होल डिफरेंशिएशन। क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यू इंटू वी रूल्स की हेल्प से, तो हमारे पास यही इक्वेशन आएगी। इसी इक्वेशन को लग्रांजस आइडेंटिटी कहा जाता है। इसी इक्वेशन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म है, अगर हम इसे इंटीग्रल करें, इंटीग्रेट करें, तो चूंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा इंटीग्रल ए टू एक्स ऑफ वाई टू एल वाई वन माइनस वाई वन एल वाई टू ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स वाई टू वाई वन प्राइम माइनस वाई वन वाई टू प्राइम, जहाँ पे हमने लिमिट लगाई है ए टू एक्स। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिगार्डिंग इस टर्म लावेल प्रॉब्लम। उससे पहले देखते हैं नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी नॉर्मलाइज्ड फंक्शंस के बारे में। तो द आइगन फंक्शंस वाई एन एक्स ऑफ इस टर्म लावेल सिस्टम कैन बी नॉर्मलाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर एक्स इफ ए टू बी आर एक्स वाई एन एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू वन। अगर हमारे पास यह इंटीग्रल जो है वन आता है तो हम कहते हैं कि जो आइगन वैल्यूज हैं, आइगन फंक्शंस हैं इस टर्म लावेल सिस्टम के, वो नॉर्मलाइज्ड किए जा सकते हैं, जहाँ पे आर एक्स हमने देखा था लैम्डा के साथ जो कोएफिशिएंट था वो था। अब आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ इस टर्म लावेल सिस्टम। थ्योरम वन, आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्टर्म लावेल सिस्टम आर रियल। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो थ्योरम कह रही है कि जो आइगन वैल्यूज हमें मिलेगी इस स्टर्म लावेल सिस्टम की, वो कभी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगी, हमेशा रियल मिलेगी। तो हमारे पास इस स्टर्म लावेल सिस्टम का हमने पहले इक्वेशन लिख दिया और उसकी बाउंड्री कंडीशंस लिख दी। अब हमने अज्यूम किया पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स ए वन ए टू बी वन बी टू आर रियल। हमने ये माना कि पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स और ये जो कॉन्स्टेंट्स ए वन ए टू बी वन बी टू हैं, ये सब रियल हैं। और हमने अज्यूम किया कि लैम्डा और वाई को हम अगर इफ़ पॉसिबल लेट देम बी कॉम्प्लेक्स। हमने कहा इफ़ पॉसिबल, अगर हो सकता है तो हमने माना कि वे कॉम्प्लेक्स हैं। अगर वो कॉम्प्लेक्स हैं लैम्डा और वाई, आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस, तो उनका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एग्जिस्ट करेगा। हम जानते हैं कि अगर जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जेड बार इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई की हेल्प से दिया जाता है। इसे हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहते हैं। तो हमने वाई बार और लैम्डा बार से कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिनोट किए वाई और लैम्डा के। तो अगर लैम्डा और वाई से इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो लैम्डा बार और वाई बार भी इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें वन और टू के हेल्प से इक्वेशन थ्री और फोर मिली। यहाँ पर हमने बस वाई की जगह वाई बार रिप्लेस किया एंड लैम्डा की जगह लैम्डा बार रिप्लेस किया। अब हमने जो काम लैग्रांजेस आइडेंटिटी में किया था, उसी तरीके का कैलकुलेशन हम यहाँ भी करेंगे, क्यू एक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इक्वेशन थर्ड को y से मल्टीप्लाई किया एंड इक्वेशन वन को y बार से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें कुछ इस तरीके की टर्म मिली। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करने के लिए डी वाई बार बाई डी एक्स को y बार प्राइम से डिनोट किया और डी वाई बाई डी एक्स को y प्राइम से। तो जब हमने ये किया तो d बाई डी एक्स तो पहली टर्म से कॉमन आ गई, px भी कॉमन आ गया, बचा
y y bar prime minus y bar y prime plus qx y y bar minus qx y y bar. तो ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी. प्लस लैम्डा बार आर एक्स वाई वाई बार माइनस लैम्डा आर एक्स वाई वाई बार. अब यहाँ पर भी आर एक्स और वाई बार ये सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा लैम्डा बार माइनस लैम्डा. लेकिन अगर हम इसको आर एच एस पे लेके जा रहे हैं तो साइन चेंज होंगे और हमारे पास बचेगा लैम्डा माइनस लैम्डा बार. अब हमने इंटीग्रेट किया तो जब हमने इंटीग्रेट किया तो साइड्स को इंटरचेंज कर दिया. इंटीग्रेट करते ही ये जो डिफरेंशिएशन है ये कैंसल आउट हो गया और हमारे पास बचा लैम्डा माइनस लैम्डा बार इंटीग्रल ए टू बी आर एक्स वाई वाई बार ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स वाई वाई बार प्राइम माइनस वाई बार वाई प्राइम ओवर ए टू बी. हमने यहाँ पे लिमिट्स लगा दी ए टू बी. अब यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस हम ये कह सकते हैं कि पी एक्स वाई वाई प्राइम बार माइनस वाई प्राइम वाई बार. तो जब हम इस आर एच एस को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो पहली टर्म बनेगी उसमें वाई बी वाई प्राइम वाई वाई बार प्राइम बी माइनस वाई बार बी वाई प्राइम बी बनेगी. तो वो जो भी टर्म बनेगी उस टर्म में कहीं ना कहीं इसकी हेल्प से हमें ज़ीरो मिलेगा इन बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से. इसलिए आर एच एस हमारे पास ज़ीरो हो गया. आर एच एस जैसे ही ज़ीरो हुआ तो हमारे पास बचा लैम्डा माइनस लैम्डा बार इंटीग्रल ए टू बी आर एक्स वाई वाई बार डी एक्स और लैम्डा माइनस लैम्डा बार ए टू वी इंटीग्रल ए टू वी आर एक्स मॉड वाई होल स्क्वायर डी एक्स. जहाँ पर मॉड वाई का स्क्वायर कैसा आया हम जानते हैं. अगर जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई ऑटा वाई है और जेड तो जेड कंजुगेट जो होगा वो होगा एक्स माइनस आई ऑटा वाई. और जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा बिकॉज आयोटा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है. तो ये पॉजिटिव टर्म हो गई और आर एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है. इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बिकॉज आर एक्स अगर ज़ीरो हो गया तो लैम्डा बचेगा ही नहीं और लैम्डा ही नहीं बचेगा तो आइगन वैल्यूज आएंगे ही नहीं. इसलिए आर एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो इन एकॉम अभी. तो ये तभी पॉसिबल है. ये इक्वल टू जीरो तभी पॉसिबल है जब लैम्डा माइनस लैम्डा वार इज इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा वार. अब देखते हैं कि ऐसा होने से रियल कैसा आई. हम जानते हैं अगर एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई होगा बिकॉज हमने यही कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा वार. तो एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई. तो हम अगर रियल और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू x और y इज इक्वल्स टू माइनस वाई. वाई इक्वल्स टू माइनस वाई इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो जो इमेजिनरी टर्म थी वो हमारे पास वैनिश हो गई. तो हमारे पास जो टर्म बची वो खाली x बची. तो इसीलिए हमने कहा लैम्डा माइनस लैम्डा बार इज इक्वल्स टू ज़ीरो इम्प्लाइज लैम्डा इज रियल. तो आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ आइगन फंक्शंस. हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी ऑर्थोगोनल फंक्शंस क्या होते हैं. अब यहाँ पर हम ये प्रूफ देखेंगे कि जो आइगन फंक्शंस होते हैं किसी स्टर्म लाउविल सिस्टम के तो वो ऑर्थोगोनल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर एक्स इन एनी गिवन इंटरवल ए कॉमा बी. तो जो थ्योरम है वो कहती है आइगन फंक्शंस ऑफ द स्टर्म लाउविल सिस्टम बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर एक्स इन गिवन इंटरवल ए कॉमा बी. तो हमने कंसिडर किया स्टर्म लाउविल सिस्टम जिसकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस कुछ ऐसी हैं जिन्हें हमने पहले भी देखा है वही हैं. फिर हमने कहा लेट वाई वन एंड वाई टू बी टू आइगन फंक्शंस बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज बिकॉज हम जानते हैं हम जब ऑर्थोगोनल लेते हैं तब हम दो अलग वैल्यूज़ के लिए ही ऑर्थोगोनल प्रूफ करते हैं. तो लैग्रांजेस आइडेंटिटी जिसका प्रूफ हमने अभी अभी देखा उसकी हेल्प से हम कह सकते हैं इंटीग्रल ए टू बी वाई टू एल वाई वन माइनस वाई वन एल वाई टू डी एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स वाई टू वाई वन प्राइम माइनस वाई वन वाई टू प्राइम
a to b. जैसा कि हमने प्रीवियस थ्योरम में देखा, यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, अगेन ये जो RHS है वो हमारे पास ज़ीरो बचेगी. RHS ज़ीरो होते ही हमारे पास LHS जो बची वो कुछ इस प्रकार से बची, इंटीग्रल a टू b y टू l y1 माइनस y1 l y2 dx. अब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं. रीज़न, हमने अभी यहाँ पर इसे प्रूव किया जब हमने लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया, तो इसी वीडियो में हमने अभी देखा था कि y2 l y1 माइनस y1 l y2 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ लैम्डा वन लैम्डा टू आर एक्स वाई वन वाई टू. तो जब हमने रिप्लेस किया तो हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो किया और माइनस साइन हट गया बिकॉज आर एच एस पे ज़ीरो है. नाउ सिंस लैम्डा वन इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा टू, हमने पहले ही कहा कि हम दो अलग आइगन वैल्यूज़ के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो लैम्डा वन इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा टू. दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ए ओवर बी ए टू बी आर एक्स वाई वन वाई टू डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो ये आते ही हमारे पास ये ऑर्थोगोनल फंक्शन की डेफिनेशन आ गई, यानी कि हम कह सकते हैं दीज टू आइगन फंक्शंस वाई वन एंड वाई टू आर ऑर्थोगोनल विथ रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन आर एक्स. नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं, आइगन वैल्यूज आर सिंपल. सिंपल यानी कि टू एवरी आइगन वैल्यू ऑफ सिस्टम लाइबल सिस्टम देयर कॉरस्पॉन्ड्स ओनली वन लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन. तो कोई भी अगर हमारे पास आइगन वैल्यू है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही ऐसा आइगन फंक्शन मिलेगा जो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा. अगर यानी कि अगर हम दो या उससे ज़्यादा अगर आइगन फंक्शंस कंसिडर करते हैं किसी एक आइगन वैल्यू के, तो वो हमेशा लीनियर डिपेंडेंट होंगे. लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट हम जानते हैं कि अगर कोई वैक्टर्स हैं वी वन वी टू वी थ्री वी एन तक, और अगर हम कोई स्केलर्स ले रहे हैं अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, और अगर जब हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं यानी अल्फ़ा वन वाई वन प्लस अल्फ़ा टू वाई टू एंड सो ऑन टिल प्लस अल्फ़ा एन वाई वी एन को इक्वल्स टू ज़ीरो जब हम रखेंगे, तो अगर हमें सारे अल्फ़ा सारे स्केलर्स ऑल अल्फ़ा आई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यानी कि वो होते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट. बट अगर एक भी अल्फा आई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है तो हमें मिलता है लीनियर डिपेंडेंट. लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंस का बेसिक मीनिंग ये है कि हम एक ही लीनियर इक्वेशन में उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो कर सकते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट है तो नहीं कर पाएंगे. तो हमने कहा कि अगर वाई वन एक्स, तो हमने पहले स्टर्म लॉविल सिस्टम कंसिडर किया पहले की तरह, बस यहाँ पर शॉर्ट में प्राइम की हेल्प से लिखा है. फिर हमने कहा अगर वाई वन एक्स और वाई टू एक्स कोई दो डिस्टिंक्ट आइगन फंक्शंस कंसिडर किए हमने, इफ़ पॉसिबल कॉरस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वैल्यू लैम्डा. हमने कहा किसी सेम पर्टिकुलर आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए कोई दो आइगन फंक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं इफ़ पॉसिबल. अब हमें प्रूव करना है कि ये लीनियर डिपेंडेंट है. तो लीनियर डिपेंडेंस प्रूव करने के लिए दो फंक्शंस की हमें बस इतना दिखाना होता है कि जो रॉन्सकियन है डब्ल्यू एक्स उन दो फंक्शंस का वो ज़ीरो हो, इज आइडेंटिकली ज़ीरो. तो रॉन्सकियन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं वाई वन एक्स वाई टू एक्स वाई वन प्राइम वाई एक्स वाई टू प्राइम एक्स इसका डिटर्मिनेंट. तो जब हम इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसे एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो वाई वन इंटू वाई टू प्राइम माइनस वाई टू इंटू वाई वन प्राइम यही बनेगा हमारे पास. जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो वाई वन वाई टू प्राइम का डिफरेंशिएशन हुआ वाई वन प्राइम वाई टू प्राइम प्लस वाई वन वाई टू डबल प्राइम. फिर वाई टू वाई वन प्राइम का डिफरेंशिएशन हुआ वाई टू प्राइम वाई वन प्राइम माइनस वाई टू वाई वन डबल प्राइम. तो ये दो टर्म तो आप देख सकते हैं हमारे पास सेम है. तो हमारे पास बचा रॉन्सकियन का जो डिफरेंशिएशन बचा डब्ल्यू डैश एक्स इज इक्वल्स टू वाई वन वाई टू डबल प्राइम माइनस वाई टू वाई वन डबल प्राइम. बाउंड्री कंडीशन से जैसा कि हमने पहले भी देखा, हम वापस कह सकते हैं कि डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज जैसे ही हम यहाँ पर ए रखेंगे तो हमारे पास वही बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से ये इक्वेशन भी ज़ीरो ही आएगी. ऑल्सो एज वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स आर सॉल्यूशन
दिस इम्प्लाइज अगर वाई वन एक्स और वाई टू एक्स सॉल्यूशंस हैं तो वो जो स्टर्म लावल सिस्टम की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई भी करेंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से ही लिखा कि p y1 prime whole prime plus q plus lambda r y1 is equals to 0 and p y2 prime whole prime plus q plus lambda r y2 is equals to 0। अब अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो हम वापस से इक्वेशन 8 को सेकंड इक्वेशन को y1 से मल्टीप्लाई करें और पहली इक्वेशन को y2 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करें तो हमें q प्लस लैम्डा आर एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज लैम्डा भी कॉमन है दोनों में। तो हमने लिखा y1 into 8 माइनस y2 into 7। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनी y1 और जो ब्रैकेट में टर्म थी वो प्लस q प्लस लैम्डा आर y1 y2 फिर वापस से y2 p y1 प्राइम होल प्राइम माइनस q प्लस लैम्डा आर y1 y2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं q प्लस लैम्डा आर वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। फिर हमने जो ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन था उसे एक्सपेंड किया तो वो कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होगा p प्राइम y2 प्राइम प्लस p y2 डबल प्राइम और यहाँ का हो जाएगा p प्राइम y1 प्राइम प्लस p y1 डबल प्राइम। अब हमने वापस से यहाँ पर टर्म्स को सेपरेट किया और जो p वाली टर्म्स थी उन्हें एक तरफ लिख दिया और p प्राइम वाली टर्म्स को एक तरफ। तो p वाली टर्म्स को जब हमने सेपरेट किया तो हमारे पास बचा y1 y2 डबल प्राइम y2 डबल प्राइम y1 एक ही बात है और माइनस में आया y2 y1 डबल प्राइम y1 डबल प्राइम y2। अब हमने पीछे देखा था कि ये जो टर्म बनी ये रॉन्सकियन के डिफरेंशिएशन के इक्वल बनी w-x के इक्वल बनी। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इसी को रिप्लेस कर दिया w-x से और जो p-x के साथ में हमारे पास टर्म बनी वो बनी y1 y2 प्राइम यानी y2 प्राइम y1 माइनस y1 प्राइम y2 और ये जो टर्म बनी ये हमारे पास रॉन्सकियन के डेफिनेशन आ गई तो ये w-x हो गया। अब यहाँ पर हम वापस देख सकते हैं ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ पी एक्स डब्ल्यू एक्स के इक्वल बिकॉज यू इंटू वी रूल लगाया तो पहले डब्ल्यू एक्स का किया मान लीजिए हमने w-x पी एक्स फिर w-x p-x तो ये इसके डिफरेंशिएशन के इक्वल आया। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर ज़ीरो आ रहा है तो हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है तो ये जो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा तो w-x इज इक्वल्स टू सी अपॉन पी एक्स सिंस पी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम जानते हैं अगर पी एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो ये जो स्टर्म लावल सिस्टम है वो बचेगा ही नहीं क्योंकि पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे ये जो डिफरेंशिएशन वाली टर्म है यही हट जाएगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बचेगा। इसलिए हमने कहा पी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। तो अगर पी एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है और हमने बाउंड्री कंडीशन से कहा था डब्ल्यू ए इक्वल्स टू ज़ीरो है तो डब्ल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो इम्प्लाइज सी अपॉन पी ए इक्वल्स टू ज़ीरो एंड सिंस पी ए इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो दिस इम्प्लाइज सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यानी जो हमारे पास डब्ल्यू एक्स होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। डब्ल्यू एक्स यानी कि रॉन्सकियर हमारे पास ज़ीरो आ गया यानी कि वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स आर एल डी। रेले कोएफिशिएंट, अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम रेले कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। तो जो लैम्डा पैरामीटर है उसकी वैल्यू हम कुछ इस एक फार्मूला से देते हैं जिसे कि हम रेले कोएफिशिएंट कहते हैं। तो इस फार्मूला पे को कैसे हम डिराइव कर सकते हैं उसका क्या यूज़ है आइए वो देखते हैं। स्टर्म लावल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी हमारे पास वो होगी पी वाई प्राइम होल प्राइम प्लस क्यू प्लस लैम्डा आर वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमने मल्टीप्लाई बाय वाई किया और इंटीग्रेट किया तो जब वाई से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा वाली टर्म को सेपरेट रखा और बाकी टर्म्स को एक साथ लिया तो लैम्डा वाली टर्म बनी लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी आर वाई स्क्वायर बिकॉज एक वाई पहले से था एक और वाई से मल्टीप्लाई किया तो आर वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रल ओवर ए टू बी वाई पी वाई प्राइम होल प्राइम ये टर्म यहाँ पर आ गई प्लस क्यू वाई स्क्वायर डी एक्स। अब हमने ये जो टर्म है इस टर्म पे हमने यू इंटू वी रूल लगाया तो पहले यू एज इट इज़ वी का डिफरेंशिएशन यानी कि इसका ये वी का इंटीग्रेशन तो हमारे पास जो वी का इंटीग्रेशन है वो बनेगा पी वाई प्राइम तो वही हमने लिखा वाई वाई एज इट इज़
पी वाई प्राइम का होल प्राइम का इंटीग्रेशन, यानी कि पी वाई प्राइम बचेगा बिकॉज पहले से डिफरेंशियल था। इंटीग्रल ए टू बी से हमने लिमिट लगा दी, फिर माइनस इंटीग्रल ए टू बी वाई का हमने किया डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास एक मिला वाई प्राइम, और इसका हमने किया इंटीग्रेशन, तो हमारे पास बचा पी वाई प्राइम डी एक्स प्लस इंटीग्रल ए टू बी क्यू वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी आर वाई स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर हमने इन्हीं टर्म्स को रीअरेंज किया, तो ये जो टर्म है इस टर्म को हम एल एच एस पे लेकर गए, तो हमारे पास आर एच एस पे लेकर गए, तो हमारे पास आया माइनस पी वाई वाई प्राइम ए टू बी प्लस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दो टर्म्स के अंदर इंटीग्रल है, तो दोनों ही टर्म्स पे इंटीग्रल है, तो हमने इनके टर्म्स को एक साथ लिख दिया, और यहाँ पर लेकर आर एच एस पे लेकर गए तो हमारे पास इनके साइन चेंज हो गए, तो हमारे पास बचा यहाँ पर वाई प्राइम दो बार है तो वाई प्राइम का होल स्क्वायर, तो पी वाई प्राइम स्क्वायर माइनस क्यू वाई स्क्वायर और इस पूरे का इंटीग्रल ओवर डी एक्स। लैम्डा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इस टर्म को इसके डिनोमिनेटर में लिख लिया इंटीग्रल ए टू बी आर वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारे पास आ गई रिले क्वेश्चन लैम्डा की डेफिनेशन, लैम्डा का फॉर्मूला। नाउ रेले क्वेश्चन डज नॉट डिटरमाइन वैल्यू ऑफ लैम्डा डायरेक्टली, बिकॉज हम जानते हैं यहाँ पे हमने वाई और वाई प्राइम की का यूज़ लिया है, अगर हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो हमें वाई और वाई प्राइम की वैल्यू चाहिए, बट हम जानते हैं वाई और वाई प्राइम क्या है, वाई तो आइगन फंक्शन है और वाई प्राइम उसका डिफरेंशिएशन, तो आइगन फंक्शन तो हमें तभी मिलेगा जब हमारे पास आइगन वैल्यू होंगी, तो लैम्डा की वैल्यू इट कैनॉट बी डायरेक्टली डिटरमाइंड, बट इट गिव्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट नेचर ऑफ लैम्डा, बट स्टिल ये फार्मूला हमें कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है लैम्डा के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये जो टर्म है पी एक्स वाई एक्स वाई बार एक्स ए टू बी इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारे पास ये टर्म लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगी तो माइनस साइन लगने से ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। फिर हमने कहा इफ क्यू एक्स इज लेस देन ज़ीरो, अगर क्यू एक्स लेस देन ज़ीरो है तो माइनस क्यू है तो ये टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव, ये भी टर्म पॉजिटिव और नीचे भी टर्म पॉजिटिव, तो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज मिलेंगी लैम्डा वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी कि ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव। तो ये था रेले क्वेश्चन के बारे में। अब हम देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ आइगन फंक्शंस ऑफ स्टर्म लाइविल सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ फाई एन एक्स बी सेट ऑफ आइगन फंक्शंस ऑफ स्टर्म लाइविल सिस्टम देन द सीरीज समेशन एन इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट सी एन फाई एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू अ फंक्शन एफ एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट सी एन फाई एन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू बी, जहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट सी एम है इट इज़ गिवन बाय सी एम इज इक्वल्स टू ए टू बी आर एक्स एफ एक्स फाई एम एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रल ए टू बी आर एक्स फाई एम स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि पहले जो थ्योरम जो है वो बेसिकली यही कह रही है कि अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स है तो ये जो थ्योरम है वो बेसिकली ये कह रही है कि कोई भी अगर स्टर्म लाइविल सिस्टम है और उसका अगर हम सारे आइगन फंक्शंस का सेट ले तो आइगन फंक्शन के सेट से जो हमारे पास सीरीज़ मिलेगी सी एन फाई एन एक्स, जहाँ पे सी एन एक पर्टिकुलर कोएफिशिएंट है जो हमने डिटरमाइन किए हैं यहाँ पर, तो वो सीरीज़ जो है वो एक एफ एक्स फंक्शन पर कन्वर्ज करेगी। इस थ्योरम के हेल्प से हम कुछ फंक्शंस को किसी फंक्शंस को जो इंटरवल पे गिवन है उन्हें हम इस स्टर्म लाइविल सिस्टम के आइगन फंक्शंस की हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं, उनके फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने कहा लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन सी एन फाई एन एक्स, तो हमने कहा कि माना कि एफ एक्स जो जिस पे कन्वर्ज कर रहे हैं वो फंक्शन एफ एक्स हमने माना। अब हमने वन को मल्टीप्लाई किया आर एक्स फाई एम एक्स से, इस टर्म को हमने आर एक्स इंटू फाई एम एक्स से मल्टीप्लाई कर जब इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेशन और समेशन के साइन को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो हमने इंटीग्रेशन का साइन अंदर लिया और
over a to b rx phi mx phi nx dx. अब हम जानते हैं ये जो सेट ऑफ ऑल आइगन फंक्शंस है phi mx, ये जो सेट है जिसमें सारे हमने आइगन फंक्शंस कंसिडर किए, तो हमने पिछले थ्योरम में देखा था कि आइगन फंक्शंस जो का जो सेट होता है वो ऑर्थोगोनल होता है विद रेस्पेक्ट टू rx. तो यहाँ पर यही इंटीग्रल है, यानी कि ये इंटीग्रल ज़ीरो हो जाएगा व्हेन m इज़ नॉट इक्वल्स टू n. तो यानी कि हम यहाँ पर n इज़ इक्वल्स टू वन टू इन्फाइनाइट लेके जा रहे हैं, तो जब भी m और n की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी तब ये जो इंटीग्रल है वो ज़ीरो हो जाएगा. तो यानी कि ये इंटीग्रल सिर्फ उसी केस में हमारे पास बचेगा जब m इक्वल्स टू n हो, यानी कि phi m स्क्वायर x बने हमारे पास. तो हमारे पास बचा इंटीग्रल a टू b आर एक्स एफ एक्स फाई एम एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू सी एम इंटीग्रल a टू b आर एक्स फाई एम स्क्वायर x डी एक्स. और जब ये बचा तो हमने सी एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लिख लिया, और इस तरीके से हमारे पास सी एम का जो फॉर्मूला मिल गया. अब हमने कहा इफ आइगन फंक्शंस आर ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड, अगर आइगन फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड भी है कोई पर्टिकुलर केस में, तो ये जो नीचे वाली टर्म है इंटीग्रल ए टू बी आर एक्स फाई एम स्क्वायर एक्स डी एक्स वो इक्वल्स टू वन हो जाएगी. यानी कि ऑर्थोगोनल तो हमेशा ही रहेगा फाई एम एक्स का सेट, आइगन फंक्शंस का सेट, अगर वो नॉर्मलाइज्ड भी हो, यानी कि ऑर्थोगोनल भी है और नॉर्मलाइज्ड भी है, यानी कि ऑर्थो नॉर्मल सेट है. यानी कि सो इफ फाई एन एक्स इज ऑर्थो नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू आर एक्स देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फाइनाइट सी एन फाई एन एक्स where cm is equals to a to b rx fx phi mx dx. तो हमारे पास जो fx बचेगा वो simply उसमें जो cm बचेगा वो simply हो जाएगा a to b rx phi x phi mx dx, because जो denominator है वो हमारे पास 1 के equal आ गए. अब एक छोटा सा एक definition है periodic Sturm-Liouville problem. अगर हमारे पास स्टर्म लॉविल प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से गिवन है कि d by dx of px dy by dx plus qx lambda rx ay is equals to zero, ये तो वही बेसिक इक्वेशन है, पर बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास अलग है. वो हमारे पास है y zero is equals to y टू t and y dash zero is equals to y prime टू t, यानी कि जहाँ पर कि टू t हमारे पास है पीरियडिक साइज, जो पीरियड की साइज है वो है. तो हमारे पास जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बनती है उसे हम पीरियोडिक स्टर्म लॉविल प्रॉब्लम कहते हैं. हम जानते हैं पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होते हैं. यानी कि अगर एफ एक्स है तो वो एफ एक्स होगा एफ एक्स प्लस कोई टू टी टाइम पीरियड के इक्वल होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसिडर करें कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इक्वल होगा रिपीट होगा टू पाई इंटरवल के बाद. तो इसका जो 2t हो गया, यानी जो इसका पीरियडिक साइज हो गया, पीरियड हो गया, वो हो गया हमारे पास 2π, बिकॉज हर 2π के बाद में cos x रिपीट करेगा. सिमिलरली जो tan x होता है उसका जो पीरियडिक साइज हो गया वो हो गया हमारे पास पाए, बिकॉज tan x इज इक्वल्स टू tan x प्लस पाए, हम ये भी जानते हैं. तो इसलिए cos x का जो पीरियडिक साइज हो गया वो 2π और tan x का पाए. सिमिलरली अगर कोई भी पीरियडिक फंक्शन है तो उसकी बाउंड्री कंडीशन कुछ इस तरीके से गिवन होगी, एंड उस प्रॉब्लम को हम कहेंगे पीरियडिक स्टर्म लॉविल प्रॉब्लम. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी थ्योरम्स हमने देखे वो पीरियडिक स्टर्म लॉविल प्रॉब्लम के लिए भी अप्लाई होंगे, बट एक थ्योरम के अलावा, वो थ्योरम है आइगन वैल्यूज ऑफ पीरियडिक सिस्टम में नॉट बी सिंपल. हमने कहा था कि जो नॉर्मल आइगन जो नॉर्मली जब हम स्टर्म लॉविल सिस्टम कंसिडर करते हैं तो उसकी आइगन वैल्यू सिंपल होती है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा लेंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट मिलेगी, सिर्फ एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, ओनली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट. लेकिन जब पीरियडिक हो हमारे पास स्टर्म लॉविल प्रॉब्लम, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट ही हो, हमारे पास एक से ज़्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल सकती है. इतना बस इतना ही था आज के वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉन होमोजेनियस स्टर्म लॉविल प्रॉब्लम्स के बारे में.
I hope you enjoyed this video. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.